नमस्कार मैं भद्रा सिन्हा और मैं अपूर्वा मंधानी और हम दोनों आपके सामने एक बार फिर कोट अनकोट का एक और एपिसोड लेके आए हैं जैसे कि आप जानते हैं शो पर हम आपको पिछले हफ्ते हुई बड़ी और महत्वपूर्ण कोर्ट की खबरों के बारे में बताते हैं इस हफ्ते हमारे पास आपके लिए सभी खबरें सुप्रीम कोर्ट से आ रही है दरअसल सुप्रीम कोर्ट के लिए ये हफ़्ता जो है ये काफ़ी बिजी रहा है हफ़्ता एक तरह से ये हफ़्ता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमना का आखिरी हफ्ता था चीफ जस्टिस की पोस्ट पर आपको बता दूं कि गुरुवार को और शुक्रवार को ख़ास कर कोर्ट्स के लिए काफ़ी बिजी दिन था गुरुवार को चीफ जस्टिस ने कई महत्वपूर्ण केसेस जो हैं उनको लिस्ट किया और उन्हें सुना अपनी तरफ से आपको एक एक लाइन में इन केसेस के बारे में बताऊँगी क्योंकि मेरे ख्याल में जितने भी ये केसेस हैं चार ऐसे केसेस के बारे में आपको बताऊँगी इन सब के बारे में हम पिछले सी यू सी कोर्ट एंड कोर्ट के एपिसोड्स में आपको इनके बारे में बता चुके हैं क्योंकि बहुत ही आ, एक तरह से नेशनल इंपॉर्टेंस के जैसे केसेस होते हैं वे उस तरह के केसेस हैं पहला जो था ये बिल्किस बानो का केस है हमने हाल ही में आपको इसके बारे में बताया था जब बिल्किस बानो के केस में दोषियों को रिहाई मिल गई है उनकी रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस याचिकाएं दर्ज हुई हैं उस पर गुरुवार को चीफ जस्टिस की बेंच ने नोटिस इशू किया राज्य सरकार को इस पर और ये भी कहा कि जो दोषी है उनको भी इस केस में पार्टी बनाया जाए इसके बाद एक और बहुत ही कंट्रोवर्शियल जजमेंट थी एक तरह से ये जो पीएमएलए की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की इसके खिलाफ़ रिव्यू पिटिशन्स याचिकाएं पुनर्विचार याचिकाएं इनको कहा जाता है ये सुप्रीम कोर्ट के सामने लिस्ट हुई थी और कोर्ट ने इन पर भी नोटिस जारी कर दिया है दो पॉइंट्स पर इसमें कोर्ट ने कहा कि इस जो जजमेंट है इसके दो पॉइंट्स पर हमें हो सकता है पुनर्विचार करने की जरूरत पड़े ये दो पॉइंट है एक जो है कि जो ये इसमें ईडी के सामने जिस तरह की कंप्लेन फाइल होती है उसकी जो कॉपी है वो अक्यूज को मिलनी चाहिए कि नहीं इस सवाल पर जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसने कहा था कि नहीं मिले तो उसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर हो सकता है हमें वापस पुनर्विचार करना पड़े कि जो अक्यूज है उसको इसकी कॉपी मिलनी चाहिए और दूसरा जो है रिवर्सल ऑफ प्रजशन ऑफ इन्सेंस इसको हिंदी में बताओ तो ना ये बेगुनाही की धारणा को उलट देता है कि जैसे अब आपको और अगर आसान शब्दों में बताने की कोशिश करूँ तो किसी भी क्रिमिनल केस में ज़्यादातर जो प्रोसिक्यूशन होता है यानी कि आपकी जो स्टेट होती है उसको प्रूव करना होता है कि जिसके खिलाफ जो चार्जेस लाए गए हैं उन चार्जेस को प्रूव करना होता है लेकिन ये जो पी एम एल ए कानून है इसके अंदर जो आरोपी है उसको अपनी बेगुनाही के सबूत देने पड़ते हैं ये जो आप ये प्रजन ऑफ इनोसेंस जो कहते हैं जो बोलते हैं कि जब तक आपको दोषी करार ना दिया गया और तब तक आप बेगुनाह हैं इसको उलट देता है ये कानून इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसने इसको सही ठहराया था लेकिन अब इन रिव्यू पुनर्विचार याचिकाओं में इसको एक बार फिर इस पर एक नजर डाली जाएगी उस पर भी नोटिस जारी कर दिया एक और केस है जो है पीएम मोदी की सिक्योरिटी से जुड़ा एक केस था सुरक्षा से जुड़ा एक केस था आपको याद हो तो जनवरी में पंजाब में उनकी यात्रा के दौरान उनको फ्लाईओवर पे पंद्रह बीस मिनट रुके रहना पड़ा था जिसके बाद और रुके क्यों रहना पड़ा था क्योंकि ये कहा गया था कि वहाँ पे जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसके कारण उनका जो कॉन्वो है वो आगे नहीं जा सकता है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बैठाई थी अगले इनफैक्ट जो दो केसेस है वो कमेटी के ऊपर ही है तो इस कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को अब ये बताया है कि अम, पीएम की सिक्योरिटी में चूक तो हुई थी उस समय पंजाब पुलिस की तरफ से चूक हुई थी और उसने कोर्ट को ये भी बताया है कि किस तरह से उनकी जो सिक्योरिटी है सुरक्षा उनको उसको और मजबूत किया जाए बिल्कुल इसके साथ जो एक और केस है पैगेसिस आप देख रहे होंगे कितने बड़े बड़े केसेस एक ही दिन में सुप्रीम कोर्ट के सामने आए थे गुरुवार को अब पैगिस का जो केस आया था इसमें भी आपको याद हो तो ये जो पूरा जासूसी मामला था इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बैठाई थी अब इस कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया है कि उसने उनतीस फोन्स को एनालाइज किया उसमें देखने की कोशिश की कि उसमें कोई जासूसी सॉफ्टवेयर है या नहीं पेगसिस है या नहीं और कोर्ट को उसने ये बताया कि पांच में एक तरह का मेलवेयर देखा था पर ये नहीं कहा जा सकता पूर्ण रूप से कि यह पैगसिस था तो ये कमिटी की रिपोर्ट है ये लगभग कहते हुए कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उन फोन्स में पैगसिस सॉफ्टवेयर पाया गया था इस कमिटी की रिपोर्ट को कोर्ट हो सकता है पब्लिक भी करे कुछ चीज़ें हटाकर पर हो सकता है अपने वेबसाइट पे अपलोड करे ये पूरे मामले कोर्ट के सामने गुरुवार को आए इसके बाद शुक्रवार जो था वो चीफ जस्टिस का आखिरी दिन था आखिरी दिन पे एक रीति होती है उसके बारे में आपको बताती हूँ इसमें जो चीफ जस्टिस है वो अगले चीफ जस्टिस के साथ कोर्ट में बैठते हैं एक कस्टम होता है ज्यादा देर तक नहीं बैठते आधे घंटे के लगभग बैठते हैं लेकिन एक जो नई चीज इस हफ्ते हुई वो चीफ जस्टिस रमणा ने शुक्रवार को जब ये बेंच बैठी ये अभी के चीफ जस्टिस की बेंच और अगले चीफ जस्टिस की बेंच और इसके साथ साथ जस्टिस हिमा कोहली भी थी उस बेंच में वो जब बेंच बैठी तो आ, सुप्रीम कोर्ट ने उस समय तक की हियरिंग्स जो थी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स वो पूरे देश के लिए खुली छोड़ दी यानी कि उसको लाइव स्ट्रीम कर दिया कि कोई भी उसे देख पाए सुप्रीम कोर्ट में आज तक ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है तो उस आधे पौन घंटे के लिए पूरा देश सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को देख सकता था तो वो हुआ उसमें कई लॉयर्स ने वकीलों ने सामने आके सी रमना को फेयरवेल दिया उनका आखिरी दिन था छब्बीस तारीख को बहुत ही इमोशनल भी भावुक भी हो गए कुछ लोग सीनियर एडवोकेट्स दुष्यंत दवे जो हैं वो काफ़ी भावुक हो गए उन्होंने जज रोते रोते जस्टिस रमना को एक तरह से फेयरवेल दिया और ये कहा कि वो नागरिकों के जज थे और उन्हें बहुत वो उनका दिल बहुत भरा आया था ये कहते हुए कि अब वो आ, कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे इसके साथ साथ कई लोगों ने सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने जो एस के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं विकास सिंह उन्होंने कई ऐसे नामी गिरामी लॉयर्स ने आके वकीलों ने सामने आके उनको फेयरवेल दिया एक तरह से उनको उनके बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें बोली उनको कंग्रेचुलेट किया और ये था आपका शुक्रवार का दिन जब चीफ uh, जस्टिस का आखिरी आखिरी दिन दिन था। बिल्कुल और दिन ही जैसा कि आपने बताया उन्होंने एक ऐसा कदम लिया जो बहुत ऐतिहासिक कदम है पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की कोई भी प्रोसीडिंग जो है उसका लाइव टेलीकास्ट हुआ था लाइव प्रदर्शन हुआ था और इस वेबकास्ट के थ्रू कोई भी कहीं पर भी इस पूरे देश में बैठ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को देख सकता था और सुन भी सकता था और जहां तक ये लाइव स्ट्रीमिंग की बात है अपूर्वा ये दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने एक जजमेंट में जो 2018 में डिलीवर कही थी करी थी उसमें बात करी थी इस जजमेंट को लिखा गया था जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के द्वारा ये तीन जजों की पीठ ने ये जजमेंट डिलीवर किया था और इस जजमेंट में बहुत ही साफ शब्दों में ये लिखा गया था कि इंस्टीट्यूशन जो जुडिशियरी एक इंस्टीट्यूशन है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग करना बहुत जरूरी है और आ, उस जजमेंट में ये एक और बात ये लिखी गई थी कि शुरुआत दरअसल कुछ ऐसे केसेस से होनी चाहिए कुछ ऐसे मुकदमों से होनी चाहिए जो इंपॉर्टेंट हो यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जो हो उनको लेके जो है लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए मगर दो uh, हजार से लेके अब हम 2022 में आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट में लाइव टेलीकास्ट तो शुरू नहीं हुआ मगर कोविड की वजह से ऑनलाइन हेयरिंग्स शुरू हो गई थी आ, वकीलों को ऑनलाइन लिंक्स देने शुरू दिए गए थे तो कुछ वकील जो कोर्ट में बहस नहीं कर सकते थे वो ऑनलाइन अपना केस जो है आर्ग्यू कर सकते थे आ, और कुछ जर्नलिस्ट भी हैं जो आ, लगातार सुप्रीम कोर्ट कवर करते आ रहे हैं उनको भी ऑनलाइन हेयरिंग का एक्सेस दिया गया था तो कुछ हद तक जो है आ, मैं कहूंगी कि ट्रांसपेरेंसी लाई गई थी कोर्ट हियरिंग्स को लेके मगर पूरी तरह पहली बार जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रमना ने अपना अपने आखिरी दिन में जो है ये ट्रांसपेरेंसी वो पूर्ण तरीके से अपने कोर्ट के लिए लाए अब देखने वाली बात ये है कि जो अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जस्टिस यू यू ललित क्या वो इस ट्रेडिशन को कंटिन्यू करेंगे और क्या वो लाइव स्ट्रीमिंग सुप्रीम कोर्ट के लिए जो है इसको एक तरीके से एक तरीके से नॉर्म बनाएंगे या नहीं ये देखने वाली बात है और उसके बाद जो जो उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे जस्टिस डी वाई चंद्रचूर चूंकि उन्होंने दो का जजमेंट लिखा था तो काफी लोगों की उम्मीद यही है कि जब वो इस पद पे आएंगे तब शायद वो सुप्रीम कोर्ट की लाइफ प्रोसीडिंग्स को एक रियलिटी बनाएंगे कमेटी के भी वो हेड है काफी टेक्नोलॉजिकली वो फ्रेंडली है तरह बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल की जा सकती है जी तो अब हम दूसरी खबर दूसरी तो नहीं कहूंगे मगर अब हम अपनी अगली खबर पे चलते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ही आ रही है जैसा पूर्वा ने बताया पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट बहुत ही बिजी रहा है ये खबर दरअसल यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से जुड़ी गई है सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते हाँ योगी आदित्यनाथ को एक बहुत भारी जिसे कहते हैं रिलीफ दिया है दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका जिसमें योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के लिए केस करने की डिमांड करी थी उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते रद्द कर दिया है रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केवल यही चीज बोली कि जो लीगल क्वेश्चन याचिकाकर्ता ने उनके सामने पेश किए थे उठाए थे उस पे वो अभी कोई जवाब नहीं देगी और जो क्वेश्चन ऑफ लॉ रेस किया गया था कानूनी क्वेश्चन जो रेज किया गया था वो किसी और केस में आ, उसको देखा जाएगा या उस पे डेलिब्रेशंस होंगी अब दरअसल ये पूरा मुकदमा था क्या इसमें जो याचिकाकर्ता है उनका नाम है परवेज परवास उनका यह कहना था कि 2007 में जनवरी 2007 में योगी आदित्यनाथ एक ऑर्गेनाइजेशन हिंदू युवा वाहिनी के लीडर थे और उन्होंने एक बैठक में दरअसल मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था जिससे किसी तरह का हिंसा या कोई गतिविधि हो सकती थी। अब ये केस दरअसल 2007 से चलता रहा 2017 में यूपी गवर्नमेंट के पास एक एप्लीकेशन आई जिसमें यह मांगा गया था कि इस केस में योगी आदित्यनाथ को प्रोसिक्यूट करने के लिए दी जाए। यूपी सरकार ने इस परमिशन को रद्द कर दिया था यानी कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ को प्रोसिक्यूट करने का सैंक्शन नहीं दिया था तो जो याचिका करता है परवेज परवाज उन्होंने अलाहाबाद हाईकोर्ट में इस डिसीजन के खिलाफ चुनौती लगाई मगर अलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो में उनकी याचिका को या, याचिका को रद्द कर दिया तो उस हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए 2018 में ही परवेज़ परवास ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दर्ज करी सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील ने यह सवाल उठाया कि क्या यूपी सरकार योगी आदित्यनाथ के मामले में कोई डिसीजन दे सकती थी या नहीं प्रोसिक्यूशन सैंक्शन को लेके क्योंकि परवेज परवास का यह कहना था कि इसमें जो मेन अक्यूज या मेन आरोपी जो है वो खुद चीफ मिनिस्टर है उस राज्य के तो क्या चीफ मिनिस्टर इस एप्लीकेशन पे एक तरीके का डिसीजन दे सकते थे या नहीं इस क्वेश्चन पे अलाहाबाद कोर्ट ने कोई जवाब नहीं दिया परवेज परवास का यह कहना था सुप्रीम कोर्ट को कि इस केस में जो क्लोजर रिपोर्ट भी फाइल की गई थी वो भी गलत थी इसका मतलब यह है कि पूरे मामले में ट्रांसपेरेंसी से जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया था मगर सुप्रीम कोर्ट ने हेयरिंग के दौरान परवेश परवास के वकील को यही बोला कि यदि इस केस को क्लोज कर दिया गया था तो इसमें सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन की कोई बात या गुंजाइश थी नहीं यूपी सरकार की तरफ से जो सीनियर वकील पेश हुए मुकुल रोहतगी उनका यह मानना था कि जहां तक सैंक्शन को लेके सैंक्शन की जो बात थी उसमें योगी आदित्यनाथ नाथ के का, का कोई रोल नहीं था मतलब कि योगी आदित्यनाथ उस कमेटी के मेंबर नहीं थे या उन्होंने उस कमेटी में पार्टिसिपेट नहीं किया था जिसने इस एप्लीकेशन को रद्द कर दिया था दूसरी बात मुकुल रोहतगी ने यह बोली कि जो सीडी मिली गई थी जो सॉरी डीवीडी जो मिली थी उस आ, उस हेट स्पीच को लेके जब वो सी एफ एस एल लैब में भेजी गई और जो सी एफ एस एल की रिपोर्ट आई लैब की जो रिपोर्ट आई उसमें ये साफ में दर्ज किया गया है कि वो सी डी टैंपर्ड थी तो इसलिए प्रोसिक्यूशन का सवाल उठता नहीं है तो ये सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने परवेश परवास की याचिका को रद्द कर दिया मगर जैसा मैंने पहले बताया जो क्वेश्चन ऑफ लॉ जो कानूनी क्वेश्चन कोर्ट के सामने रखा गया था उस पर कोर्ट ने अपना कोई जवाब नहीं दिया ये कहते हुए कि वो किसी और मामले में इस पे कार्यवाही करेंगे जी इसके साथ ही आपको एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर वन लेके चलते हैं आपको जैसे हमने बताया कि 26 तारीख को चीफ जस्टिस रमना का आखिरी दिन था तो इसके साथ-साथ आपको ये भी बता दूं कि अब जो कोर्ट है वो तैयार है अगले चीफ जस्टिस के लिए जो कि होने वाले जस्टिस यू ललित उनका पहला दिन होगा 29 अगस्त को आप अब, अब संडे को ये एपिसोड देख रहे होंगे तो कल उनका पहला दिन होगा लेकिन उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले ही हमें ये पता चल गया है कि 29 तारीख को ही सुप्रीम कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने कई बहुत ही महत्वपूर्ण केसेस जो हैं अभी तक पेंडिंग हैं वो लिस्ट होंगे 25 ऐसे मामले लिस्ट होंगे तो यू यू जस्टिस यू, यू ललित का जो टर्म शुरू हो रहा है वो एक तरह से धमाकेदार तरीके से शुरू हो रहा है टर्म छोटा होगा तीन महीने का ही टर्म होगा वो रिटायर हो रहे हैं आपको बता दो आठ नवम्बर को लेकिन शुरुआत तो काफी अच्छी हुई है बिल्कुल अपूर्वा तो चौहत्तर दिनों का टर्म है हुँ. मगर जैसा कि यू ललित ने अपने कुछ इंटरव्यूज में बोला है उनका जो फोकस रहेगा अपने इस टेन्योर में वो ये रहेगा कि किसी तरह से जो है जो ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स जो बहुत सालों से पेंडिंग है और सुनवाई पे नहीं आ पाए पिछले दो साल से तो बिल्कुल ही नहीं आ पाए कोविड के कारण तो उनका ये मानना है कि ऐसे केसेस को जो है मान्यता दी जाए और ऐसे केसेस ऐसे महत्वपूर्ण केसेस की सुनवाई जल्द से जल्द हो ताकि जो सुप्रीम कोर्ट का एक रोल है एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी वो सुप्रीम कोर्ट अपना उस अपने उस रोल को अच्छी तरह से निभाए दरअसल हमने ये देखा है अपूर्वा कि पिछले काफी सालों में ऐसे मुकदमे आने लग गए हैं सुप्रीम कोर्ट की सामने जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का सारा समय उन्हीं केसेस में जो है लग जाता है और जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होते हैं जो लोगों के संवैधानिक अधिकारों से जुड़े हुए होते हैं वो सुनवाई पे नहीं आ पाते और वो कोल्ड स्टोरेज में चले जाते हैं और उनकी लिस्ट जो है पिछले कुछ सालों से बढ़ती ही जा रही है तो जस्टिस ललित ने अपने इन कुछ इंटरव्यूज में यही कहा कि उनका मानना यह है कि जो ये मैटर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस के जो मैटर्स हैं उन जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमना जस्टिस रमना का जो आखिरी थी जिसके जो लाइव स्ट्रीम हुई उसमें भी अपने दर्शकों को बता दो कि उन्होंने माफी मांगी एक तरह से उन्होंने ये कहा कि आ, लिस्टिंग ऑफ केसेस केसेस जो लिस्ट होने चाहिए थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक पार्ट है उनकी आ, पोस्ट का लेकिन उन्हें लगता है कि वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए इसलिए वो उसके लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं जो कि बहुत ही बड़ी बात है एड्रेस करना क्योंकि हाल ही में इनफैक्ट पिछले दस दिनों में चूंकि वो रिटायर होने वाले थे उनकी काफ़ी निंदा हुई है जैसे कि आपने बताया इसी बात पर कि जो महत्वपूर्ण मामले हैं ये चीफ जस्टिस रमना के टर्म के दौरान ये एक तरह से कोल्ड स्टोरेज में ही पड़े रहे पेंडिंग पड़े रहे ये Uh, आई ही नहीं कोर्ट के सामने बिल्कुल और uh, मगर अपूर्वा uh, जस्टिस रमना ने एक और बात ये बोली कि पिछले 16 महीने उनका टेन्योर 16 महीने के लिए था उन्होंने ये कहा कि इस पूरे 16 महीने के टेन्योर में जो फिजिकल हियरिंग कोर्ट्स में हुई हैं वो केवल 55 दिन के लिए हुई है तो जस्टिस रमन्ना uh, का ये भी कहना था कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के मैटर्स होते हैं इनमें बहुत अः uh, से uh, जो है पार्टीज होती हैं जिसकी वजह से बहुत बहुत ही बड़ी मात्रा में लॉयर्स जो हैं वो आते हैं वो बहस करते हैं तो इन मामलों की हेयरिंग जो है ऑनलाइन पॉसिबल नहीं थी इसी कारण वर्ष जो है ये मैटर्स जो है फिजिकल हेयरिंग के लिए लग नहीं पाए सुनने के लिए तो जहां तक जस्टिस ललित की बात है अपूर्वा जैसा आ, मैंने आपको पहले बताया कि भाई वो अब कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पर थोड़ा फोकस करेंगे इसके साथ साथ जो है जस्टिस ललित एक बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति माने जाते हैं और उन्होंने ये संवेदनशीलता जो है अपनी नालसा के हेड के रोल में भी दिखाए नालसा हेड के रोल में जस्टिस ललित ने ऐसे काफी लीगल लिटरेसी कैंप्स जो है ऑर्गेनाइज किए काफी काफी छोटे छोटे शहरों में छोटे छोटे गांव में ये कैंप्स ऑर्गेनाइज किए गए ताकि लोगों को उनके संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के बारे में बताया जाए और यही संवेदनशीलता जस्टिस ललित बेंच में भी उनको, उनको देखने को मिलती है और जो, जो, जो लॉयर्स हैं जो बार मेंबर्स हैं वो यही उम्मीद करते हैं कि जस्टिस ललित इन अगले चौहत्तर दिनों में अपनी इस संवेदनशीलता को और जो है दिखाएंगे चलिए अपूर्वा इस हफ्ते के लिए मेरे ख्याल से काफी बिजी था सुप्रीम कोर्ट तो हमारे लिए खबरें भी काफ़ी रही बिल्कुल भद्रा चलिए इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद